हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे NIAB द्वारा लॉन्च किए गए एक चिप के बारे में जिसका नाम इन्होंने रखा है इंडिगो। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आखिर ये इंडिगो है क्या, ये चिप जो बनाई गई है इसका मेन पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ऑल टुगेदर और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। उससे पहले आप एक आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पर सेंटिनल का, इंडिगो इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च्ड, और इसे लॉन्च किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने। वेल, उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर की PDF मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। वेल, अब बात कर लेते हैं इतना चर्चा में क्यों है। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद ने इंडिगो नामक एक चिप लॉन्च की है। यह गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। NIAB डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक भारतीय स्वायत्त अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी ऑटोनोमस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं इस इंडिगो चिप के बारे में। इंडिगो पूरी तरीके से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी चिप है यानी कैटल चिप है। चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने और 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में मदद करती है। इसके साथ ही इस चिप का निर्माण राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ तालमेल में है और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। इसके अलावा चिप समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की सुगमता के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचारों के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है। अब बात करें इसके इम्पोर्टेंस यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड की, तो देशी गायें मजबूत और लचीली होती हैं और विशेष रूप से अपने संबंधित प्रजनन क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, और जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलताओं से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता प्रभावित होने की संभावना भी कम होती है। देसी जानवरों के दूध में वसा और SNF की मात्रा अधिक होती है। SNF सामग्री दूध में केसिन, लैक्टोज, विटामिन और खनिज पदार्थों के रूप में मक्खन और पानी के अलावा अन्य पदार्थ हैं जो दूध के पोषक मूल्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था अबाउट इंडिगो के बारे में। अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल मैंने मिस की है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो आपका तो भी आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखें। ऑल्सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।